मौलाना फजल रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक रब्ता। फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के वफद के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और JUIFA से इतिहाद पर तबादला ख्याल होगा। अपडेट करें, मौलाना फजल रहमान ने इतिहाद से मुतालिक गारंटी भी मांगी थी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बो न्यूज मोहम्मद अलीजाज से। जी मोहम्मद अलीजाज, बताएगा इस टेलीफोनिक रब्ते के बारे में। देखिए, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तरीके साहब के रहनुमा असद कैसर, उनके दरमियान मुलाकात तय पा गई है। और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जो गारंटी मांगी थी उस मुतालिक बानिचे रणबीते इमरान खान को आगाह किया गया था। और इमरान खान ने इस मुतालिक अपनी जो टीम है उसको टास्क भी दिया है जिस मुतालिक वो मौलाना फजल रहमान को आगाह करेंगे। इस हवाले से तीन रुकनी टीम भी तश्कील दी जाएगी जिसकी सरबराही असद कैसर करेंगे। और जो हुकूमती इतिहाद है उसके खिलाफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो तकरीबन आपस में इतिहाद कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। इस जमन में असद कैसर ने काफी अहम किरदार अदा किया है। और हमारे द्वारा ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता एक दो हफ्ते के दौरान उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुतअद्दिद मुलाकातें भी की हैं। और अब इस हवाले से मुलाकात तय पा गई है। असद कैसर वक्त के अमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाएंगे और बानी चेयरमैन PTI का जो पैगाम है उस मुतालिक आगाह करेंगे। मोहम्मद आलिश अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।